आजठ आरंभ मोदी तृतीय इनिंग्स हैट्रिक शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन में संध्या 7:15 में प्रधानमंत्री भाव से शपथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ पाठ कराइबे। सहित किसी कैबिनेट मंत्री शपथ ग्रहण करिबार कार्यक्रम रही तेरे क्यों मंत्री पद मिल कैबिनेट रूपरेख कौन रही कल्पना जल्पना लगी रही। संभाव्य केन्द्रमंत्री को पीएमओ रो जाउछे फोन कॉल। ओडिशा धर्मेंद्र प्रधान जुएल ओराम अश्विनी वैष्णव को मोदी कैबिनेट रे स्थान मिल पारे। समस्त को दिल्ली रु डाक आसुछि। मोदी टी पार्टी रे धर्मेंद्र प्रधान जोग देते अमित शाह और नितिन गडकरी राजनाथ सिंह प्रहलाद जोशी को फोन कॉल जाइछि। सेहिबळी टीडीपी सांसद राममोहन नायडू अपना दल अनुप्रिया पटेल एचएम जीतन राम मांझी जेडीएस एचडी कुमार स्वामी एवं आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को फोन कॉल जाइथिबा जातीय गणमाध्यम सूत्र सूचना रही। नरेंद्र मोदी दिल्ली सरकारी बासभवन में संभाव्य मंत्री भिड़ जमी। टी पार्टी बहु सांसद सामिल होते बार मौका मिला है और पूरा एक भारत का इतिहास जो है ये रचने का काम उनके नेतृत्व में हो रहा है। भारत विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए जरूर हमारी कुछ सीटें कम आई होगी, लेकिन मैंडेट जो है मैंडेट नरेंद्र मोदी जी ने तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने का था और उनके मंत्रिमंडल में मुझे तीसरी बार उनको मौका मिल रहा है और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मैं दलित समाज का हूँ और देश भर के दलितों को गरीबों को और सर्व जाति धर्म के लोगों को न्याय देने का काम मैं करता रहूंगा। मोदी सरकार ने हर बार नए बार बनने के बाद नया काम किया है और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान के लिए कुछ और नया होगा। जहाँ तक सवाल मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश को भरपूर नेतृत्व मिलने वाला है, ऐसा माननीय मोदी जी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश पर रहा है। जैसे एक हमारे यहाँ चलता है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, उसी तारतम्य में मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को भरपूर नेतृत्व मिलेगा। बस आज के दिन हमारे लिए सब कार्यकर्ता के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का दिन है, देश की जनता का भी खुशी का दिन है कि फिर से तीसरी बार देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई शपथ ले रहे हैं। करोड़ों करोड़ों प्रजाओं की मन में जो ख्वाहिशें हैं वो सब कई किसी न किसी तरह से पूरी हो जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी कार्यकर्ताओं के लिए मैं समझता हूँ ये बड़ा ही अपने आप में अभूतपूर्व समय कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश की कमान संभालने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता और इस देश के लिए मैं समझता हूँ अत्यंत बड़े गौरव का क्षण है। देखिए निश्चित रूप से मध्य प्रदेश से बहुत शानदार सफलता इस चुनाव में मिली है और सभी 29 के 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है और निश्चित रूप से हम लोगों को विश्वास है कि मध्य प्रदेश से अच्छा नेतृत्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में मिलेगा और मध्य प्रदेश का विकास माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी के साथ अब हम लोग करेंगे।